वेलकम टू स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्ट 2 टॉपिक इज मेजरमेंट यूजिंग स्केल एंड कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक वी रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक। ओके, हियर इन प्रीवियस टॉपिक वीडियो वी लर्न अबाउट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, सो इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट। ओके, बट यू नो दैट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अवर बॉडी पार्ट इज डिफरेंट। ओके, सो हियर वी यूजिंग ऑफ अवर बॉडी पार्ट वी कैन नॉट मेजर एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, देर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, हियर गिवन हैंड स्पान, क्यूबिट एंड फुट स्पान। ओके, नाउ व्हाट इज हैंड स्पान? द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर इज नॉन हैंड स्पान। ओके, हियर यू कैन सी दैट हियर द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड लिटिल फिंगर। ओके, एंड दिस डिस्टेंस वी कॉल दैट हैंड स्पान। नाउ क्यूबिट, द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप इज नॉन एज क्यूबिट। ओके, हियर यू कैन सी दैट दिस इज माई एल्बो एंड दिस वन इज माई लिटिल फिंगर। ओके, एंड फ्रॉम दैट डिस्टेंस वी कॉल दैट क्यूबिट। ओके, एंड फुट स्पान, द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग योर फुट, फुट मीन्स यू नो नाउ। ओके, इज कॉल फुट स्पान। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, देर आर 4 यूनिट ऑफ लेंथ। फर्स्ट वन इज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। मिलीमीटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन, एंड यूजिंग ऑफ मिलीमीटर वी कैन मेजर द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। वी कैन मेजर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रोप, इरेजर। ओके, नाउ सेकंड वन इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अवर पेंसिल बॉक्स, नोटबुक, वी कैन मेजर इन सेंटीमीटर। देन इन सेंटीमीटर एक्सप्रेस एज cm, एंड मिलीमीटर वी कैन एक्सप्रेस एज mm। ओके, यस, नाउ मीटर। हियर मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ मीडियम ऑब्जेक्ट। मीडियम ऑब्जेक्ट लाइक साड़ी, क्लासरूम, वी कैन मेजर इन मीटर। ओके, देन लास्ट वन इज किलोमीटर। किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज यूज टू मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज बिटवीन टू प्लेसेस। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। ओके, नाउ अवर न्यू टॉपिक इज मेजरमेंट यूजिंग स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड अबाउट द स्केल। ओके, नाउ एवरीवन सी स्केल। हियर आई हैव वन स्मॉल स्केल इन माय हैंड। ओके, हियर इन दिस स्केल यू कैन सी दैट अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, हियर नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 15, मीन्स हियर हाउ मेनी सेंटीमीटर इज गिवन? 15 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर cm, हियर रिटर्न cm मीन्स सेंटीमीटर। ओके, हियर यू कैन सी दैट बिग लाइन, यस, वन, हियर यू कैन सी बिग लाइन, यस, वी कॉल दैट सेंटीमीटर। ओके, हियर यू कैन सी 0 to 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, अप टू 15 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड अबाउट द सेंटीमीटर? नाउ यू कैन सी हियर ऑन द स्केल, यू कैन सी हियर स्मॉल लाइन्स। ओके, हियर यू कैन सी द स्मॉल लाइन बिटवीन। ओके, सो हियर व्हाट इंडिकेट द स्मॉल लाइन? व्हाट इंडिकेट द स्मॉल लाइन? तो हियर यू कैन सी हाउ मेनी स्मॉल लाइन्स बिटवीन 1 सेंटीमीटर? यू कैन नाउ कैलकुलेट 1 2, हियर वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, मीन्स हियर बिटवीन 1 सेंटीमीटर हियर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 10, मीन्स हियर वी कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अंडरस्टूड? ओके, गुड। हियर वन पिक्चर इज गिवन। ओके, हाउ मच इज सेंटीमीटर? हियर स्केल इज गिवन बट नंबर नॉट गिवन। ओके, सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द नंबर ऑन द स्केल। सो हियर नंबर स्केल इन ऑन स्केल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Okay, understood that? Now here, what is given? Here lizard is given. Okay, then mastic is given. Okay, then here, same way, in second picture, you can see here. Okay, one scale is given. Okay, so first of all, we write the number on the scale. Okay, so here we start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and okay, 13. Up to 13 number is given here. Okay, now let's see here question. See question. Okay. First of all, the mastic is 4 cm long. Okay, so here you can see that. Where is mastic? Okay, here you can see that. Okay, from here, 2 to 3. How many centimeter? 1. Okay, 1, 2, 3 and 4. Means the mastic is 4 cm long. Understood? Now, second one is, the die is 1 cm from every side. Okay, here you can see the die. Okay, here you can see 5 to 6 means 1 centimeter, means every side means here to here 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter and 1 centimeter from every side. Okay, now the lizard is 13 centimeter long. Okay, here you can see the picture of lizard. Okay, from here we can start from 1 to 14. Here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Understood? Okay. Then, next one is, the leaf is blank centimeter long. Okay. Here, I will show you using scale. Okay. Here, you can see that, here, if I start from 0. Okay. So, here, you can see how, which number we got? 4. Means, here, leaf is 4 centimeter long. Understood? Then the wax color is blank centimeter long. Okay, so here wax color, you can see here wax color. Okay, so here we can measure from, you can see here, here we start from 0. Okay, then we got 7 centimeter. Understood? So here our answer is 7 centimeter long. Okay, then now look at the scale that you find in geometry box. How many centimeter does it have? You can see here this scale from 0 to 15 centimeter. Means our answer is 15 centimeter. Now we measure the different object and we write the measurement. Okay, so here first of all we measure the pen. Okay, we measure the pen using long scale. Okay, here you can see a long scale. Okay, here long scale number start from 0 to 30 centimeter long. Okay, now here I will put pen from 30, here from I will put from 0 number. Okay, and here you can see that up to which number, you can see here clearly that 14 centimeter. So our pen is 14 centimeter long. Okay, so the measurement of the pen is 14 centimeter long. Okay, if you measure pen at home, at your home, you can get different answer. Okay, so don't worry about that. Okay, now here I will take second example, pencil. Okay, I will take one another object, pencil. Okay, 1 minute. Okay, now you can see that here pens, we have to measure the pencil. Okay, now here we put from the 0 and you can see here 17. Okay, then here you can see the small parts, 1, 2, 3, 4 and 5, means here pencil's length is 17.5. okay, so here our answer is 17.5 centimeter. Okay, now our third object is eraser. Okay, now here how can we measure the eraser? Now here you can, you now already know, here we have to start from the 0. Here I place one 0, you can see. And here we have to see our ending point. Okay. So here you can, here you can observe that 3. Okay. 0 to 3. Means eraser is 3 centimeter long. Understood? So here our answer is 3 centimeter.
on scale you can see here 0 to 1, how many lines between them? 10 lines, okay? Means here we can write 1 centimeter is equal to 10 millimeter, okay? Here we write 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Now our new topic is convert. Our new topic is convert centimeter into millimeter. Okay, now here I will take one example. Here I will take 5 centimeter. Okay, now we have to convert centimeter into meter. Millimeter. Okay, so you know now 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, so how can you write 5 centimeter is equal to 5 multiplied by 10 millimeter. Okay, so 5 tenja 50 millimeter. Understood how can we convert centimeter into millimeter? Now I will take one more example, 6 centimeter. Okay, so how can we convert 6 centimeter is equal to 6 multiplied by 10 millimeter, means 60 millimeter. Okay, now I will take one more example. Okay, here you can see that 8 centimeter and 20 millimeter. Okay, and we have to convert into millimeter. Okay, so here you can see that it's already given 20 millimeter, so we don't convert this number. Okay, we have to convert only 8 centimeter. So how can we convert 8 centimeter 20 millimeter is equal to 8 multiplied by 10 millimeter plus, we have to add these things, 20 millimeter, means 8 multiplied by 10, 80 millimeter plus 20 millimeter is equal to 100 millimeter. Now our last sum is 4. Okay, so 12 centimeter and 15 millimeter. Okay, so how can we convert 12 centimeter 15 millimeter, means how can we write 12 multiplied by 10 millimeter plus 15 millimeter, means 120 millimeter plus 15 millimeter. How can we do addition of this number? Here you can see that how can we do, see here, 120 plus 15. Okay, so here 0 plus 5 5, 2 plus 1 3 and 1. So here our answer is 135 millimeter. I hope you understand this topic betterly. Okay, thank you.